हे गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं DSSB की जो भर्ती जारी की गई थी इसकी एग्जाम क्लियर हो चुकी है, रिजल्ट आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। कैसे अपने रिजल्ट को डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। अगर आप लोग DSSB के लिए आवेदन किया है, अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। हम आपको लाइव दिखाएंगे कैसे अपने रिजल्ट को आप डाउनलोड करेंगे। DSSB में कई प्रकार की वैकेंसियां जारी की गई थी, सबकी एग्जाम क्लियर हो चुकी है और सबका जो रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। तो रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल से भी ये प्रोसीड कर सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। आपको यहाँ पे टाइप करना है dssb.delhi.gov.in, चाहे आप DSSB ऑनलाइन आप टाइप करके एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने ये एक ऑप्शन आएगा DSSB ऑनलाइन का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने ये आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने ऐसा आएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूजर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको ये डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, उसके बाद 10वीं की जो रोल नंबर है यहाँ पे आप लिखेंगे, उसके बाद 10वीं की पासिंग ईयर क्या है उसे आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें सेलेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपका एक पासवर्ड जनरेट किए होंगे, बनाए होंगे, वो पासवर्ड आप लिखेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपको लिखना है और उसके बाद साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बात ये भी आती है कि पासवर्ड बहुत लोग भूल जाते हैं तो कैसे फॉरगेट करेंगे, यानी कि दोबारा से पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे। पासवर्ड प्राप्त करने के लिए यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप फॉरगेट कर सकते हैं। सो इस पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। वैसे मैंने फॉरगेट करने की वीडियो ऑलरेडी बनाई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो चलिए जानते हैं कैसे रिजल्ट डाउनलोड करेंगे यानी कि चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपने सारे डिटेल्स को फिलअप करना है। अपने सभी डिटेल्स को लिखने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन करना है। ये ऑप्शंस मैंने हाइड किया है क्योंकि जिनका भी इंफॉर्मेशन पर्सनल है उसे मैं शो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाइड किया है। यहाँ पे सारे जानकारी को लिखने के बाद साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स आपको डिस्प्ले किया जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जानना है रिजल्ट कैसे डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा व्यू रिजल्ट का, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। व्यू रिजल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको अपने पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है इस पर। ओके गाइस, जैसे ही आप अपने पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी रिजल्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे लाइव आपको दिखाया जाएगा। आपका यहाँ पे कौन सा पोस्ट सेलेक्ट करेंगे वो पोस्ट आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर मिल जाएगा, नीचे आपको आपका नाम मिल जाएगा और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा। ये सारे ऑप्शंस मैंने हाइड किया है। यहाँ पे देखेंगे मार्क ऑब्टेंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सेक्शन ए में इन्होंने 35 नंबर पाया है और सेक्शन बी में इन्होंने नंबर कम पाया है, इसकी वजह से इनकी जो रिजल्ट है वो नॉट शॉर्ट लिस्टेड में इनका आया है। अगर यहाँ पे 30 नंबर इन्होंने पा जाया होता तो आपको यहाँ पे टोटल 64 के पार नंबर हो जाता और इसमें इनका सिलेक्शन हो जाता, यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग में इनका नाम आ जाता। तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं कि इसकी कट ऑफ कितनी गई है, तो कट ऑफ मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कट ऑफ देख सकते हैं, ये है SC कैटेगरी के लिए, तो SC में सिर्फ 64% यहाँ पे कट ऑफ गया है। तो इनका गाइस यहाँ पे 56% है, सिर्फ 8 अंक से ही छंट गए हैं। अगर आप सेलेक्ट रहेंगे तो यहाँ पे यू हैव सेलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे नॉट आपको ऑप्शन नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद चेक कर सकते हैं। ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चलता है तो आपको यहाँ पे पेशेंस रख के अपने रिजल्ट को चेक करना है। यही ऑप्शन है अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए, और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आप लॉग इन करेंगे तभी अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कोई सवाल होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय, जय हिंद।